सारिका कटोच और महिला भाई, इसके नाम की एक बार ताली तो बजाओ यार। देखो एक बहन तो कम से कम ये चाहती है कि हम अपनी धरती को हरा भरा बना के, हम धरती से जितना लेते उतना उसको दे के तब जिंदा रहेंगे। ऐसे सोचने वाले लोग यदि एक भी आ जाए तो धरती बदल जाती है। शाबाश भाई साहब। मैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में के गांव के एरिया में काम कर रही हूँ, और मैं इस वक्त टोटल सैनिटेशन कार्यक्रम और साथ में जो है पर्यावरण भी हमारा एक विषय है। तो मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहती हूँ, और उसमें एक सवाल भी छिपा है, और उस छिपे हुए सवाल को आप अच्छी तरह पहचान जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। नगरोटा सूर्या का जो खंड है धर्मशाला कांगड़ा के जिला में, वहाँ पर एक गांव ऐसा है बड़ेला, गुज्जर बस्ती है। वहाँ पर एक किसी जमाने में पुरानी खड, जिसे हम लोग खड कहते हैं, छोटी नदी वो हुआ करती थी, और किसी जमाने में वो बहुत ही मर्यादित ढंग से बहती थी। आगे कुछ हम लोगों की खुद की गलतियां थी, जो गांव वाले रहते थे, सो कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन। तो हमने वहां से पत्थर निकालना, जो बड़े बड़े पत्थर थे उनको निकालना शुरू कर दिया, उन नदियों को सुबह जाना, बाहर जाना सो कॉल्ड, तो वहां जाकर के जो नदी का जो पानी है उसको दूषित करना शुरू कर दिया। और साथ ही नीचे जो है सरकार द्वारा बनाया गया पोंग डैम, उसके लिए भी जो है वहां से वो जो सरकार ने बाद में जो है वो लकीर वहां पे बना दी, बिना ये सोचे समझे कि साथ में एक गांव है छोटा सा जहां पर लोग रहते हैं, बिना उनकी सुरक्षा का पूरी तरह से इंतजाम के करते हुए। तो समस्या भी ये आ रही है कि जब आमतौर पर जिस तरह से आपने ये रास्ता दिखाया, मैं कोई 3 महीने पहले वहां गई थी, वहां पर भी इसी तरह का रास्ता है। आसपास हालांकि जंगल है, लेकिन वो सिर्फ अब झाड़ी नुमा जंगल ही रह गया है, बड़े पेड़ वहां पे नहीं रहे। आम दिनों में वो नदी, वो खड्ड जो है सूखी रहती है, और बरसात के दिनों में वो पानी पोंग डैम में तो जाता है, लेकिन उससे पहले जो है एक जलाशय बना करके उस गांव में जो है आगे निकल जाता है। जो चेक डैम की बात आप कर रहे हैं, जो शायद उदाहरण आप ही से भारत सरकार द्वारा लिया गया है, वो वहां पर काम, जब हम लोग ने उनसे ये बात की कि आप लोग चेक डैम क्यों नहीं बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चेक डैम भी यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो नहीं कर पा रहा कार्य, क्योंकि वो इतने ज्यादा फ्लो से आता है कि वो सारे का सारा अपने साथ बहा करके एकदम डैम में ले जाता है। तो क्या इस तरह की समस्या को हम, क्योंकि आपका इतना अधिक अनुभव है, हमने कोशिश की करके देखा, लेकिन कोई ऐसा हमें रास्ता नहीं सूझा कि इस तरह की समस्या का समाधान हो सके। आपके अनुभव में क्या आपके इस खजाने में कुछ ऐसा मंत्र है जो इसको सुझा सके? हिमाचल में पानी तेजी से दौड़ता है, तो जहां पानी दौड़ता है वहां उसको चलना सिखा दें। पानी को चलना सिखाने के लिए वेजिटेटिव बैरियर्स, लूज स्टोन चेक डैम, गली प्लेगिंग, नाला बंडिंग जैसी तकनीक है, जिससे ऊपर का पानी का फ्लो धीमा हो जाता है और मिट्टी रुक जाती है, इरोजन रुक जाता है, और पानी धीरे 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 नाचता हुआ नीचे की तरफ आता है। तो पहले हिमाचल में पानी को चलना सिखाना पड़ेगा, जब वो चलने लगे तो फिर उसको रेंगना सिखाना पड़ेगा, जब वो रेंगने लगे तब धरती का खुला पेट देखकर उसमें बैठाना पड़ेगा। तब हिमाचल में जो सूखी स्ट्रीम्स हैं, खड्ड हैं, वो दोबारा से पेरिनियल हो सकते हैं, और जो अंडरग्राउंड एक्वीफर ओवर एक्सप्लॉइट हो गए हैं वो रिचार्ज हो सकते हैं, और उसका जो इरोजन है वो रुक सकता है। हिमाचल में सबसे बड़ी भयानक संकट है इरोजन का। इरोजन बहुत होता है तो सब एकदम से नीचे पोंग डैम में और दूसरे डैम में चला जाता है। बहन ने जिस गांव की कहानी सुनाई, उस गांव को पानीदार बनाने के लिए तो बहुत सिंपल सादा सा सूत्र है कि जहां स्टीप स्लोप्स हैं वहां चेक डैम नहीं बनाए, वहां पर लूज स्टोन चेक डैम बनाए। लूज स्टोन चेक डैम का मतलब ये है कि पानी का जो वेग है उसको रोक दे और मिट्टी को रोक दे और पानी धीमे धीमे चल के नीचे आए, जहां उसको मजबूत जगह मिल जाए और थोड़ा जेंटल स्लोप मिल जाए वहां चेक डैम बना के उसको रोक देना चाहिए। तो इसमें तुम्हारा नाम क्या है?
सारिका, तुम्हें साइट सिलेक्शन में हिमाचल के पुराने लोगों का अनुभव काम में लेना पड़ेगा। केवल सिविल इंजीनियरिंग पढ़े हुए जो इंजीनियर हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं है साइट सिलेक्शन में धरती के ज्ञान तंत्र के साथ। वो धरती का पेट ही नहीं समझते, वो केवल कैलकुलेशन समझते हैं पानी की। इसलिए उस कैलकुलेशन से वो हमेशा साइट का सिलेक्शन करते हैं और साइट की डिजाइन करते हैं और फिर साइट को एग्जीक्यूट करते हैं। इसलिए ये जो हिमाचल प्रदेश वहाँ वाटर साइट का काम कर रही है, उस वाटर साइट के काम में हमें कम्युनिटी की विजडम जरूर काम में लेनी चाहिए। और गांव के लोग, तुम खुद भी जाके देखोगी तो उस नदी में कुछ अच्छे जेंटल स्लोप्स मिल जाएंगे। तो जेंटल स्लोप्स पे जहाँ हार्ड रॉक हो वहां आप चैटडैम बना सकते हैं, कभी नहीं टूटेगा। और वो जो चैटडैम का डिजाइन है वो तुम अपने इंजीनियर को बता सकती हो कि वो एक दो के स्लोप पे बनाए, ऐसे जैसे उसका अंदर का हिस्सा सीधा और ये जो स्लोप है पीछे का सपोर्ट, ये 1 फिट ऊंचा तो 2 फिट फैला हुआ, इस डिजाइन पर वहां चैटडैम चलेगा, टूटेगा नहीं। ठीक है। पहुंच पाता और इसीलिए हम वाटर शॉर्टेज देखते हैं, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए? आपने अपना नाम नहीं बताया। सर, मेरा नाम स्निग्धा है। स्मिता, स्निग्धा सर। स्मिता, स्मिता, तुम जरा ये देखो कि दिल्ली राजधानी देश की क्यों बनी। ये जगह हमने अपने देश की राजधानी क्यों बनाई, क्यों बनाई? जिसने भी दिल्ली को राजधानी बनाने का सिलेक्शन किया होगा, क्या उसने पानी के सोर्स को देखा होगा कि नहीं? दिल्ली में 4 तरह के पानी के सोर्स थे। सरफेस पर यमुना बहती थी, सब सरफेस पर बहुत मोटे रेत की खादर है जिसको फ्लड प्लेन कहते हैं दिल्ली का, और हिंदी में जिसको शास्त्रों में इंद्रप्रस्थ कहते हैं। इंद्रप्रस्थ मतलब कि बादल से जितना भी पानी आए उसको सब अपने अंदर इकट्ठा कर ले और बादल को हरा दे, प्रस्थ माने हराना, तो उसको इंद्रप्रस्थ कहते थे, उसको खादर कहते हैं गांव के लोग। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी, वो जो सब सरफेस के नीचे करीब 40 मीटर नीचे, करीब 120 फीट के नीचे एक बहुत बड़ा एक्यूफर है दोआबा का। दोआबा माने यमुना और गंगा के बीच का जो एशिया का सबसे बड़ा एक्यूफर है। तो जिन्होंने देश की राजधानी दिल्ली चुनी थी, दिल्ली में राजधानी कहां से आई उधर के? फतेहपुर सीकरी से। फतेहपुर सीकरी आगरा है, आगरा बिल्कुल, उसको आगरा भी कह सकते हैं, आगरा के बिल्कुल पास है। फतेहपुर सीकरी में अकबर की जो सेना थी उसको पानी नहीं हो सका, तो वहां से राजधानी मूव हुई और राजधानी मूव होके दिल्ली आई। दिल्ली क्यों आई? क्योंकि दिल्ली में 40 मीटर नीचे एक बड़ा हार्ड पैन है, उस हार्ड पैन के ऊपर बहुत मोटी रेत है, और वो जो रेत है वो एशिया का सबसे ज्यादा रिचार्जिंग कैपेसिटी वाला एक्यूफर है। मोर देन 60% रिचार्ज होता है उस एक्यूफर में। अभी उस एक्यूफर पर क्या कर रही है सरकार? खेलगांव बना रही है, कॉमनवेल्थ विलेज। आज दिल्ली की नदी पर, यमुना पर 3 बड़े खतरे हैं। जब से रियल इस्टेट के दाम बढ़े तब से एनक्रोचमेंट बढ़ गया। दूसरा, रेनी वेल्स ने दिल्ली के जितने भी सब सरफेस पे पानी था उसको निकाल दिया, खाली कर दिया।